हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग डिफरेंशिएशन फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज, और इसमें दो क्वेश्चंस डिफरेंसिबिलिटी के भी हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसमें एक नंबर का ऑप्शन भी देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपकी है 5.2 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन क्वेश्चन 1-8 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ध्यान रहे इतना दिया है, लेकिन लेट आपको y करना पड़ता है, लेट y इक्वल टू, ठीक। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ चेन रूल लगेगा। अब आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, तो पहले नंबर पर क्या आएगा, साइन फंक्शन आएगा। दूसरे पॉइंट पर क्या रहा है, मतलब पहले हम कहते हैं, पहले आप कंसीडर करिए नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, पहले नंबर पर साइन आएगा, दूसरे नंबर पर वही जो इन ब्रैकेट में उसका एंगल है उसको हम एंगल नाम दे रहे हैं, एंगल मतलब ये टर्म्स। तो दो ही फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप करिए, सबसे पहले चेन रूल क्या कहता है कि पहले जो सबसे पहले फंक्शन पड़ता है उसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल उसका एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन रिमेनिंग बच रहा है उसको यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पे 2 माइनस 1 यानी 2x आ जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिला, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही इसका आंसर है। किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, और ये वाई, वाई की जगह पर ये वाई क्या है एक्चुअल में, जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो, ये पूरा कंप्लीट आंसर है, ठीक। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है आपको, 3 कर लेना है, 4 कर लेना है, या 4th आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करता है कि sec इन द ब्रैकेट tan रूट x, इन द ब्रैकेट tan रूट x, तो इसके लिए भी आप लेट y इक्वल टू करोगे ही करोगे, लेट y रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कंसीडर करिए जरा फंक्शन कितने हैं, सबसे पहले किसका करना है आपको, सबसे पहले आप सेकेंड का करेंगे, मतलब sec का करेंगे, फिर इन द ब्रैकेट में सबसे बाद दूसरा नंबर पे कौन आएगा, tan आएगा। ये हम कह रहे थे कि पहले आपको कंसीडर करना चाहिए फंक्शन कितने हैं, तो बस इसके बाद आसानी से हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर क्या लिखते हैं, सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले एक बार लिख दें डी वाई डी एक्स सेक, जब आपको बढ़िया से आना शुरू कर देगा कि आप सोचेंगे लिखेगा कौन, तो एक ही बार में कर डालें। तो sec का होता है sec x tan x, तो sec x tan x होता है, तो ये sec x है, ये tan tan ब्रैकेट में, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होना चाहिए, ये एंगल के रूप में काम कर रहा है, तो sec x tan x, थोड़ा सा दूरदृष्टि ले आइए अपने अंदर, ठीक है। इनटू अब किसका नहीं हुआ है, tan रूट x का नहीं हुआ है, तो फ्रेंड आप tan रूट x लिखेंगे और इंटू tan tan रूट x लिखेंगे, और फिर tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब किसका नहीं हुआ है, d बाई डी एक्स रूट x का नहीं हुआ है, ठीक है, d बाई डी एक्स रूट x का नहीं हुआ है। अब अगले लाइन में आ जाएगा sec tan रूट x tan tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, इसको लर्न कर लीजिए, हमेशा के लिए काम आएगा।
इसको हमने करके भी दिखाया है, कोई डाउट अभी भी मैं करके दिखा रहा हूं। हालांकि आंसर आपका हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन आप देखिए रूट एक्स जो मैं बार बार लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी सीधे कर सकते हैं। इसका मतलब 1/2 ही हुआ, एन एक्स की पावर एन माइनस वन करोगे तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगा, तो 1/2 का मतलब हाफ होता है, लेकिन माइनस है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये आ गया, और इसी को 1/2 रूट एक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का सबसे पहले तो फार्मूला लगेगा, तो आप यहाँ लिखिए डिफरेंशिएट, ये तो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, डी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स क्यूब, मेरे साथ साथ आप बोलिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, यहाँ का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, आप जानते हो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स फर्स्ट क्या है, कॉस एक्स क्यू है। ओके, अब कॉस एक्स क्यू रहेगा ही इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले इसको फंक्शन को रीड करिए, कितने फंक्शन है, एक स्क्वायर है, फिर साइन है, फिर एक्स पावर 5, 3 फंक्शन है कि, तो 3 फंक्शन के अकॉर्डिंग आप करिए, तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, देखते रहिए इंटू डी बाई डी एक्स, चाहे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए स्क्वायर का हो गया, अंदर का करोगे आप साइन एक्स पावर 5 यानी साइन का करोगे, तो साइन का क्या होता है कॉस, ये तो एंगल है, फिर इंटू लगा दीजिए। भाई चेन रूल हमने आपको यही बताई ही है कि आप पहले फंक्शन को रीड करिए, फिर 1/1 डिफ्रेंशिएशन करते जाइए, इंटू लगाते जाइए, यही रूल है आपके चेन रूल का। ठीक, अब क्या बचा, आप देख सकते हो स्क्वायर का हुआ, साइन का ये हुआ, अब एक्स पावर 5 बचा है, इसको आप कर दीजिए 5 एक्स की पावर 4। ओके डन, यहाँ तक डन हो गया, प्लस ये तो ऐसे ही लिखना ही है आपको, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 नो प्रॉब्लम, इसका कर दो। कॉस एक्स क्यू में कितने फंक्शन है, मात्र 2 फंक्शन है, पहले कॉस का करोगे तो माइनस साइन एक्स क्यू, फिर एक्स क्यू का दूसरे का करोगे तो 3 एक्स स्क्वायर, तो ये रहा पूरा आपका फंक्शन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक लाइन और कर देते हैं, कॉस एक्स क्यू भी मैं फॉर्मेलिटी ही मानता हूँ, 2 को आगे कर दिया, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, दिस इज आल्सो फॉर्मेलिटी अकॉर्डिंग टू, हाँ ये 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, इसको भी मैं एक ही लाइन में ये कर लेता हूँ, 5 2 जा 10 एक्स की पावर 4, ये मैं स्टार्टिंग लिख दे रहा हूँ। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिख दिया और साइन एक्स क्यूब लिख दिया, इंटू क्या लिख दिया, साइन एक्स क्यूब, ये साइन एक्स क्यूब इससे मिला है ना जो कॉस एक्स क्यूब आपने किया था, इंटू 3x2, 3x2 को स्टार्टिंग में लिखना है, ये 3x2। ठीक है, तो ये आंसर हुआ डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, तो आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ रहा है, बस आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है बस। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया गया है। देखिए, तो यहाँ सीधे सीधे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर किया, इस रूट को रूट ही रहने दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, अभी हमने बताया कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इसको याद कर लीजिए, बार बार इसका यूज होगा, तो यूज दिस फार्मूला हियर। तो सबसे पहले इसमें कितने फंक्शन है रीड करिए, सबसे पहला क्या है रूट, दूसरे नंबर पर क्या आएगा कॉट, तीसरे नंबर पर क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर ठीक, वही स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है,
तो रूट क्या करेंगे, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो रूट एक्स मतलब यही कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटू देखते जाइएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, दो से दो भी कट हो गया, वन अपॉन रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर। अब क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली कर दे रहा हूँ टू एक्स, नो प्रॉब्लम। ठीक, थोड़ा सा सिंपली डिफरेंशिएशन तो हो गया लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस टू एक्स तो ऊपर है ही, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम नीचे अगर ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके सामने जो कॉट एक्स स्क्वायर है इसको लिखते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ही। देखते जाइए कि जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉसेक को भी लिखा तो वन अपॉन क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिए कॉसेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि ये स्क्वायर है और ये रूट में स्क्वायर है, मतलब ये दोनों अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे जरा ध्यान से बताइए, ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस वन अपॉन टू ऐसे सॉल्व होगा, 2 माइनस ये 2 है इसका पावर, तो 2 के साथ माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू, टू टू या फोर, 3 बाई टू होगा, क्या होगा 3 बाई टू होगा। ओके, तो जब 3 बाई टू होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन रूट में, अब तो सिर्फ रूट में क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो जब ये इसके साथ पावर सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हुआ, इसका पावर क्या है 1 पावर है ना, ये मत देखिए साइन का पावर 1 ही माना जाएगी तो वेरिएबल का एक्स स्क्वायर नो, ठीक है ध्यान से देखना है इसका पावर क्या है 1, ठीक है इस समय 1 है लेकिन जब रूट में है तो कितना है 1 अपॉन 2 है, और इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, जब ये पावर डिनोमिनेटर में इसके साथ आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो जब न्यूमरेटर में हो जाएगा तो हम पार्ट डिवीजन में जब भी हम डिवीजन करते हैं तो पावर का क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया 2 माइनस 1 अपॉन 2 3 बाई 2 आ गया। अब 3 बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बाई 2 को आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये 1 है, इसका पावर क्या है 1 है और इसका पावर क्या है 1 अपॉन 2 है, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अब आप लोग 12 में पहुंच गए हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को शॉर्ट करेंगे नहीं क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ये रूट और ये रूट, अब आप जानते हो रूट आप बीच बीच में देखते जाइए, अब हम जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू क्या होगा रूट ए बी होगा, क्या होगा रूट ए बी होगा, लाइक सेम लाइक ये दोनों रूट सिंगल में आ जाएंगे, मतलब साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट थ्री जो साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है वो आएगा ही। अब क्या करें, ये फार्मूला एक बन सकता है लेकिन हमको रूट टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ये कर देते हैं इसी लाइन में कर देते हैं, रूट टू का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, देखिए यहाँ एंड नीचे लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग रूट टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग रूट टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ठीक है इतना आ गया, ये देख सकते हैं ये इतना आ गया, अब ये क्या हुआ टू रूट टू माइनस में एक्स ये आ गया, नीचे कितना आ गया ये रूट टू रूट के अंदर आ जाएगा तो टू बन जाएगा टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, और इससे पहले क्या है साइन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस टू रूट टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स का फार्मूला टू साइन एक्स कॉस ए, तो साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स की जगह अभी एक्स स्क्वायर है और इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो मे बी ये आंसर आपका थोड़ा बहुत हमने कहा था कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए हमने देख लिया कि यही इसका आंसर आ रहा है, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात और, जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर एग्जाम में हमें आंसर याद रहेगा कि हाँ तक करना है, नो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कभी भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन बनाएगा
तो निश्चित रूप से प्रूव दैट लिखेगा, ये लिख करके लिखेगा प्रूव दैट दिस, तभी यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज आपका डिफ्रेंसिएशन तो यही हो गया है, आपका डिफ्रेंसिएशन तो तीसरे लाइन में हो गया है, लेकिन ये तो आपका कैलकुलेशन है जो कि इस प्रूविंग तक ले आना है, तब अगर प्रूविंग देता है तो ठीक है। स्टूडेंट अब इसी तरीके से, अब जो मैं कह रहा था आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है, अब अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बताया है 8 डू योरसेल्फ, 8 आप लोग करिएगा, और अब हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी का जो बढ़िया क्वेश्चन 2 है वो बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा हमने आपसे कहा था इसमें दो क्वेश्चन ही डिफरेंस, वैसे तो आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन जितना चाहे उतना एक्सरसाइज से लगा लें, जो कॉन्टिन्यूटी दिया है उसको भी आप डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन मान के लगा डालिए, नो प्रॉब्लम है ना, चेक कर लिए डिफरेंशिएबिलिटी, हमने फार्मूला आपको दे ही दिया है। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन में लिखता है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट दिस पॉइंट, वो ये है दो क्वेश्चन, एक तो 9 है एक तो 10 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने एक ही बात बताया था कि आर एफ डैश किस पर, 1 पर, ये इक्वल होना चाहिए एल एफ डैश 1 के। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला मैं लिखता हूँ जो आपको कल बताया था, फार्मूला ये है आर एफ डैश सी पर हमने फार्मूला दिया था, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये था। एंड दूसरा फार्मूला जो एल एल एफ डैश सी दिया था, एल एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एच एट सी पर ही दिया था, माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसको आप और लिख करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं और इसको राइट हैंड डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ सी की जगह कौन टर्म आ रहा है, 1। जैसे हमने ये जो फार्मूला बताया है इसके लिए एट एक्स इक्वल टू सी के लिए बताया है ना, एट एक्स इक्वल टू सी के लिए बताया है, सी यहाँ क्या है, 1 है। ठीक, तो फटाफट यूज करिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखिए आर, सबसे पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज आर एफ डैश 1, क्या लिखा हमने, सी की जगह 1 इज इक्वल टू एफ 1 प्लस एच, सी प्लस एच की जगह क्या लिखा, 1 प्लस एच माइनस एफ सी, एफ 1 लिख दिया, ठीक है, अपॉन अपॉन क्या, एच एच लिख दिया। ठीक है, तो एफ 1 प्लस एच का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, माइनस एफ 1 का वैल्यू आप चाहे अलग से भी इसको फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दीजिए, वैसे ही राइट हैंड लिमिट है इसका। तो अब मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ एफ 1 प्लस एच क्या आएगा, तो एफ 1 प्लस एच इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर एक्स के प्लेस 1 प्लस एच यूज होगा। ठीक, तो अब आप देखते रहिए कैसे करना है, आर एफ डैश 1 एफ एक्स, इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स मानिए एफ एक्स, अब एफ एक्स क्या है, मॉड में एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, मॉड में एक्स, एक्स मतलब 1 प्लस एच, एक्स माइनस का 1, मॉड क्लोज। ठीक है, ध्यान से देखिए हमने क्या कहा, थोड़ी देर के लिए आप इसको एक्स समझिए, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 1, ये एक्स है ये माइनस 1 है, 1 से 1 कट भी जाएगा, माइनस एफ 1, अब आप एक्स की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, तो एफ 1 एफ 1 क्या जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, एक बात और भी हमें लिखना है यहाँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ भी हमने लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड हियर आल्सो आर एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ तक क्लियर कन्फर्म। अब नेक्स्ट लाइन, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या बचा, एच माइनस 0, मतलब मॉड एच माइनस 0 बचा, तो मॉड एच का वैल्यू एच ही होगा और माइनस 0 अपॉन एच, तो ये एच से एच कट गया, बचा क्या, 1,
मतलब लिमिट अप्लाई करने से पहले अगर ये सॉल्व हो गया तो लिमिट अप्लाई करने की नीड ही नहीं होती है। तो आर एच डी कितना आ गया, 1 आ गया। अब आइए एल एच डी को सॉल्व करिए। नाउ सॉल्विंग एल एच डी। तो एफ डैश क्या, एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहां से देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और आगे क्या लिखूंगा, f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस का एच। ओके, अब हमने जैसे उसमें कहा था कि थोड़ी देर के लिए आप इसको x मानिए, वही इसमें भी कहूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए x मानिए। तो एफ एक्स का वैल्यू आपको मॉड में x माइनस 1 मिलेगा और जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस एच को आप यूज करोगे। तो मॉड में क्या आ गया, 1 माइनस एच माइनस 1। भाई हमने कहा ना x की जगह पर क्या यूज हो रहा है, 1 माइनस एच यूज हो रहा है। तो मॉड क्लोज, माइनस f1 की जगह पर f1 की जगह पर 1 माइनस 1 मॉड के अंदर। तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ऑन सॉल्विंग यू कैन गेट this 1 to 1 cancel, this 1 to 1 cancel and you get minus mod by h, minus mod by h minus 0 upon h। अब आपको ये पता है minus h, sorry, अब आपको पता है mod में जो minus h है, mod में जो minus h है उसका value plus h आएगा। क्या आएगा, plus h आएगा। तो limit h tending to 0 ये h upon minus h, ध्यान से समझिए, ऊपर प्लस एच अपॉन माइनस एच। तो निष्कर्ष क्या निकला, माइनस 1 निकला। बच्चे लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, अरे थोड़ा सा अगर और आया होता तो इक्वल हो जाता, जबकि लिख क्या रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो अब आपका निष्कर्ष क्या होगा, मतलब आपका आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर लिखोगे कि इट इज क्लियर दैट, क्या लिखोगे, इट इज क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, फंक्शन एफ एस डज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि क्वेश्चन कितने आसानी से आता है अगर आपको सिर्फ ये फार्मूला याद है, बस no any problem if you have learned the formula of differentiability। Students, ये last question है differentiability का और at two limit पर इसको आपको check करना है, 1 or 2 पर, क्योंकि interval भी दिया गया है x greater than 0 less than 3। तो दो interval इसमें बचते हैं 1 or 2। तो इस तरह के से आप इसको चेक करिए। और ये भी कह रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। खास बात क्या है, ये जीआईएफ फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसके बारे में आप बहुत पहले से जानते हो। ये फार्मूला है एट सी पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब इसी फार्मूले से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सीधे सीधे, क्या लिखेंगे, आर है ना, आर एफ डैश 1, किस पर, 1 पर चेक कर रहा हूं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। ध्यान रहे अब ये जीआईएफ फंक्शन हो गया है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसलिए एफ एक्स, थोड़ी देर के लिए इसको x मानिए, तो एफ एक्स इक्वल टू जीआईएफ एक्स। तो यहाँ पर क्योंकि x की जगह पर 1 प्लस एच है तो gif 1 प्लस एच हो जाएगा, माइनस f1 तो gif हाफ 1। भाई f1 यहाँ रखेंगे, gif 1 आपको प्राप्त होगा, नो प्रॉब्लम, अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h का gif वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस h का gif वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि प्लस एच कट जाएगा, इंटीजर लिया जाता है, तो ये आया 1, माइनस 1 का जीआईएफ वैल्यू 1 अपॉन एच, कितना आ गया आपका, लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इधर देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो अपॉन एच, क्या आया जीरो अपॉन एच। तो जीरो अपॉन एच, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे तब लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। बस आपका आर आर एफ डैश वन मिल गया। अब एल एफ डैश वन के लिए सॉल्व करिए। नाउ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिर से यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। तो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ वन माइनस एच जी आई एफ वन माइनस एच और माइनस जी आई एफ वन अपॉन माइनस एच। तो यहाँ जब हमने सॉल्व किया वन माइनस वन एच है, यहाँ पर क्या है वन माइनस एच है, तो आपको पता है ये जीरो आएगा, इसका ये वैल्यू क्या आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि एच इज अ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कोई भी छोटा से छोटा क्वांटिटी है ये एच। अगर आप एच को 0.0001 भी मान लो तब भी तो वन में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, आएगा ना, तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, उसका जी आई एफ वैल्यू लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लिया जाता है, तो निश्चित रूप से जीरो ही तो हुआ। ओके, तो ये हो गया जीरो माइनस वन का तो वन ही आएगा अपॉन माइनस एच, ये कट गया। फिर से आप लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि अभी आपने लिमिट अप्लाई नहीं किया, जब तक अप्लाई नहीं किए हैं तब तक तो लिखना ही पड़ता है वन अपॉन एच, वन अपॉन एच। नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट। इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब लिमिट जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे एच टेंडिंग टू जीरो क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन, नाउ अप्लाइंग लिमिट, सीधे सीधे लिखिए, नाउ अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट जैसे अप्लाई किया तो वन अपॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट, क्या मिला इनफाइनाइट मिल गया। तो जब आपको इनफाइनाइट मिल गया तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो कि सर ये इक्वल नहीं है, तो वही हम भी करने जा रहे हैं। आर आर एफ डैश वन डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश वन, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अतः यह वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने वन पर निकाला, आप ऊपर भी आप निकालिए, और जैसा कुछ रिस्पांस हो वो हमको आप मैसेज के थ्रू दीजिए कि सर जो आपने हमको क्वेश्चन दिया था उसको हमने कर लिया, ठीक है, हमें भी खुशी मिलेगी, हाँ बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको स्टडी करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा बनाया गया हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।